ओके तो Redmi Note 10 को यूज करते हुए तकरीबन मेरे को 15 दिन हो चुके हैं भाई, और आज की वीडियो में मैं आपके साथ में अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि इन 15 दिनों में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा Redmi Note 10 के साथ में, क्या कुछ चीजें मेरे को इस स्मार्टफोन के बारे में अच्छी लगी, क्या कुछ चीजें ऐसी है जो इंप्रूव की जा सकती है, क्या कुछ यहां पर आपको बग्स देखने के लिए मिलते हैं, सारी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप Redmi Note 10 लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा देख लेना भाई, डेफिनेटली आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या आपको Redmi Note 10 परचेस करना चाहिए या आपको किसी और स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। फटाफट से रिव्यू को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन रिव्यू को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं रिव्यू को, और सबसे पहले जो चीज मेरे को इस फोन के बारे में सबसे ज्यादा पसंद आई वो है इसका वेट और इसका फॉर्म फैक्टर। काफी लाइट वेट फोन है भाई, और सिंगल हैंड यूसेज के लिए काफी अच्छा स्मार्टफोन है। मतलब बिल्कुल आपको हाथ में ऐसा नहीं लगता है कि आपने एक 5000 mAh की बैटरी वाला फोन उठा रखा है, काफी ज्यादा लाइट वेट है। हालांकि प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, लेकिन फिर भी भाई बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है, और इन हैंड फील जो है वो इस फोन का काफी अच्छा है। पर्सनली मैं तो सोच रहा हूँ भाई कि इसको अपना डेली ड्राइवर बना लेता हूँ, ये ईंट का बट्टा उठाने की बजाय, तो भाई ये वाला जो स्मार्टफोन है काफी हैंडी लगता है अपने हाथ में। तो ओवरऑल जो फॉर्म फैक्टर दिया गया है और जो इसका वेट दिया गया है वो काफी इंप्रेसिव यहाँ पर आपको मिलता है। उसके बाद में अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई बिल्ड क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब भी नहीं मिलती आपको। यहाँ पर जो बैक में प्लास्टिक दिया गया है वो अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक आपको मिलता है, फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। अब भाई इस फोन को अगर अपन जोर लगा के मोड़ेंगे तो भाई किसी भी फोन को आप तोड़ डालोगे। मतलब किसी एक का वीडियो देख करके आपको जज नहीं कर लेना है कि बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा खराब मिलती है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है भाई अगर इसको आप फोन की तरह यूज करते हो। अब इससे आप भाई अखरोट तोड़ने बैठ जाओ या इसके ऊपर रख के आप कांधे काटने बैठ जाओ तो इस काम के लिए फोन नहीं बने होते ना भाई, या इसको आप पकड़ के ऐसे करके मोड़ने लग जाओ तो इसलिए तो फोन बने हुए नहीं होते। अगर फोन को फोन की तरह आप यूज करोगे तो इस फोन की बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। और डिजाइन की भी अगर बात करें तो दिखने में फोन काफी अच्छा लगता है भाई, स्पेशली जो व्हाइट कलर है। देखो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बोला था कि मैं ब्लैक कलर लेने गया था, लेकिन जब मैंने ब्लैक कलर को एक्चुअल में इन हैंड लेकर के देखा तो वहां पर जो बैक दिया गया है वो ग्लॉसी बैक मिलता है। जो ब्लैक है और जो ग्रीन कलर मिलता है वो ग्लॉसी बैक के साथ में आता है, लेकिन ये जो व्हाइट कलर है यहां पर आपको मैट फिनिश मिलता है, जिससे आपके फिंगरप्रिंट यहां पर बहुत कम आते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर फिंगरप्रिंट यहां पर आते हैं। तो ओवरऑल दिखने में भी फोन काफी अच्छा लगता है। फ्रंट में जो सेंटर पंच होल दिया गया है वो भी काफी छोटी साइज का है, और चिन भी यहां पर आपको काफी कम मिलती है, मतलब दूसरे के कंपैरिजन में यहां पर काफी कम चिन दी गई है। ओवरऑल अगर बात करें बिल्ड डिजाइन एंड कंफर्ट के बारे में तो अल्टीमेट फोन है भाई। बिल्ड डिजाइन कंफर्ट के मामले में आप आंख बंद करके इस फोन की तरफ जा सकते हो। आगे चलते भाई बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले यहां पर आपको काफी अमेजिंग मिलता है, 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड पैनल यहां पर दिया गया है, जो कि सेंटर पंच होल के साथ में आता है, और डिस्प्ले क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी यहां पर मिलती है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसकी डिस्प्ले क्वालिटी पे क्वेश्चन मार्क भी लगाए हैं कि यहां पर आपको लो क्वालिटी स्क्रीन मिलती है, लो क्वालिटी डिस्प्ले दिया गया है। तो एट फर्स्ट जब आप इसमें देखोगे जो कलर्स वगैरह आप देखोगे तो थोड़े से आपको डल कलर मिलेंगे अगर आप किसी और सुपर एमोलेड के साथ में इसको कंपेयर करते हो। IPS LCD से तो भाई बहुत ही ज्यादा बेटर यहां पर आपको मिलते हैं, लेकिन अगर आप किसी और सुपर एमोलेड से कंपेयर करते हो तो यहां पर कलर्स आपको थोड़े से डल मिल सकते हैं। इस फोन को मैंने Realme 8 के साथ में हल्का सा कंपेयर करके देखा, मेरे एक फ्रेंड ने Realme 8 परचेस किया था तो उसका भाई मैं क्लिप तो नहीं बना पाया, लेकिन वहां पर मैंने कलर्स चेक करे तो डेफिनेटली यहां पर आपको थोड़े से भाई डल कलर्स मिलते हैं इन कंपैरिजन टू Realme 8। लेकिन Realme 8 का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो जान करके कलर्स को बूस्ट कर देते हैं ताकि भाई आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, और इस फोन के अंदर भी आप उस चीज को कर सकते हो। आप डिस्प्ले सेटिंग में जाकर के अगर ब्राइट आप अपने कलर ऑप्शंस को अगर सैचुरेटेड पे सेलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद में जो यहां पर आपको डिस्प्ले का फील मिलता है वो नेक्स्ट लेवल चले जाता है। अगर आपको बूस्टेड कलर पसंद है तो वो ऑप्शन भी यहां पर आपको मिल जाता है, और अगर थोड़े से डल कलर्स में आपको अच्छा लगता है डिस्प्ले तो भाई उसका ऑप्शन भी यहां पर आपको मिलता है। उसी के अलावा बात करें जो ब्लैक्स है वो एक्चुअल ब्लैक्स यहां पर आपको मिलते हैं, और जो इसका डार्क मोड है वो काफी अच्छे से काम करता है। कंटेंट वॉचिंग के लिए काफी अच्छा सा फोन है। उसी के बाद में अगर DRM इन्फो की बात कर लें तो यहां पर आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाता है, तो Amazon प्राइम पे Netflix पे आप HD में कंटेंट देख सकते हो। और अगर ब्राइटनेस की बात करें तो 1100 nits की पीक ब्राइटनेस पर जाता है सनलाइट के अंदर, और कोई दिक्कत आपको नहीं आती भाई। डायरेक्ट सनलाइट में भी अगर आप देखोगे तो व्यूइंग एंगल्स अच्छे मिल जाते हैं, ब्राइटनेस आपको काफी अच्छी मिलती है। उसी के अलावा इंडोर में तो आपको दिक्कत आती नहीं है, किसी भी एंगल से अगर आप देखते हो तो यहां पर आपको कलर शिफ्ट का प्रॉब्लम नहीं लगता है। हालांकि थोड़ा सा पिंकिश टिंट आता है इसके अंदर, लेकिन फिर भी वो मैनेजेबल है। ओवरऑल डिस्प्ले की अगर बात करें तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहां पर डिस्प्ले काफी तगड़ा यहां पर दिया गया है। हालांकि 60 हर्ट्ज के नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, लेकिन
80 हर्ट्ज का यहाँ पर आपको टच सैम्पलिंग रेट भी दिया गया है, जो कि गेमिंग में आपको अच्छे से हेल्प कर सकता है, और जो आपके टचेस हैं वो काफी स्नैपी तरीके से रजिस्टर होते हैं यहाँ पर। तो भाई ओवरऑल डिस्प्ले की अगर बात करें तो डिस्प्ले में तो आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं आने वाली है, डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी अच्छी दी गई है। आगे चलते भाई बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। इस फोन के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 678 चिपसेट मिलता है, जो कि 11 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है। परफॉर्मेंस आपको अच्छी दे देता है। डे टू डे की परफॉर्मेंस में अभी तक मेरे को कोई समस्या नहीं आई है। मक्खन की तरह आपके डे टू डे के काम निकल जाते हैं, चाहे आपको कंटेंट वॉचिंग करनी हो, चाहे आपको सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना हो, चाहे आपको कुछ भी करना हो, भाई डे टू डे के यूसेज में एक परफेक्ट फोन आपके लिए हो सकता है। लेकिन गेमिंग की अगर बात करें तो यहां पर मैंने COD को जब मैक्स ग्राफिक्स पे और हाईएस्ट सेटिंग पे चलाया तो हल्के फुल्के स्टटर्स मेरे को देखने के लिए यहां पर मिले थे, लेकिन वो भी 15-20 मिनट की जब आप गेमिंग कर लेते हो उसके बाद में देखने के लिए मिलते हैं, जब फोन थोड़ा सा हीट होना स्टार्ट हो जाता है। और हाँ भाई 30-35 मिनट की अगर आप गेमिंग कर लेते हो तो CPU टेम्परेचर इसका थोड़ा सा बढ़ जाता है, 42-43 के आसपास चला जाता है, लेकिन मैनेजेबल है भाई 42-43 तो ऑलमोस्ट अधिकतर फोन जाते ही हैं, तो यहाँ पर ज्यादा हीटिंग का इशू बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन हाँ 15-20 मिनट 30 मिनट की गेमिंग के बाद में हाईएस्ट सेटिंग पे अगर आप खेल रहे हो तो थोड़े से आपको स्टटर्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप सेटिंग्स को लो डाउन कर लेते हो उसके बाद में जो गेम प्ले है आपका काफी स्मूथ गेम प्ले हो सकता है। COD मैंने खेल के देखा, COD में हल्के फुल्के स्टटर्स मिले। फिर मैंने रियल क्रिकेट 2.0 खेल के देखा, रियल क्रिकेट में भी यहां पर जब अल्ट्रा सेटिंग पे मैंने इसको सेट करा तो भाई वहां पर स्टटर्स देखने के लिए मिले, लेकिन जैसे ही एक लेवल डाउन कर लेते हैं अपन सेटिंग को गेमिंग वहां पर बहुत बढ़िया हो जाती है। एसपोर्ट 8 भी मैंने खेल करके देखा, वहां पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, कोई स्टटर्स नहीं, कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं, सारी चीजें मक्खन चलती हुई दिखी। तो ओवरऑल अगर बात करें गेमिंग के परफॉर्मेंस के बारे में तो यहां पर आपको अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिल सकती है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड गेमर हो कि भाई आपको अपने फोन से बस गेमिंग ही करनी है, दूसरी चीजों से आपको मतलब नहीं है, तो फिर आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ जा सकते हो, जहां पर आपको G95 वाला चिपसेट मिल रहा है। आप रियलमी 8 की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन रियलमी 8 की बजाय अगर रियलमी 7 आप परचेस करते हो तो वहां पर आपको बेटर ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर आपको ओवरऑल सारी चीजें अपने फोन में चाहिए तो गेमिंग की परफॉर्मेंस यहां पर भी आपको डिसेंट मिल जाती है, बहुत ज्यादा खराब एक्सपीरियंस आपका नहीं रहने वाला है। हालांकि हाईएस्ट सेटिंग पे आप गेमिंग यहां पर नहीं कर पाओगे, ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस चाहिए तो इस फोन की तरफ जा सकते हो, अगर आपको गेमिंग करनी है केवल और केवल गेमिंग करनी है तो फिर आप किसी और ऑप्शन की तरफ भी देख सकते हो। अब बात करते हैं कैमरास के बारे में। 48+8+2+2 मेगापिक्सल के 4 कैमरास यहां पर आपको मिलते हैं और 13 मेगापिक्सल का यहां पर आपको सेल्फी कैमरा दिया गया है। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो कैमरा सेटअप काफी अच्छा दिया गया है। डिटेल कैमरा रिव्यू इसका मैंने ऑलरेडी कर रखा है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक देता हूं भाई, वहां से जाकर के जरूर से उसको चेक कर लेना। यहां पर अगर मैं ब्रीफ में बताऊं भाई तो प्राइमरी कैमरा जो आउटपुट देता है वो काफी अमेजिंग आउटपुट निकल के आता है। डायनामिक रेंज आपको बढ़िया मिलती है, कलर्स आपको बढ़िया मिल जाते हैं, HDR अगर ऑन करके आप फोटोज लेते तो और नेक्स्ट लेवल फोटो चली जाती भाई, डिटेल्स आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की बात करें तो यहां पर कलर्स आपको नेचुरल मिलते हैं, लेकिन डायनामिक रेंज अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में थोड़ी सी बेटर की जा सकती है। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में मेरे को डायनामिक रेंज का थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा। उसके बाद में डेप्थ सेंसर की अगर बात करें तो पोर्ट्रेट शॉट्स यूं तो अच्छे आ जाते हैं लेकिन थोड़े से डार्क आते हैं, और सबसे बड़ी बात जो चश्मे के एजेस रहते भाई उसको डिटेक्ट करने में इस फोन को फेल्योर मिलता है, मतलब उसमें प्रॉब्लम आती है, वो जो चश्मे के एजेस रहते हैं उनको भी ये ब्लर कर देता है, तो इस चीज को फिक्स करना जरूरी है एंड आई थिंक अपडेट के थ्रू ये वाली चीज फिक्स की जा सकती है। उसके अलावा अगर मैक्रो शॉट्स की बात करें तो भाई अच्छी लाइटिंग में लोगे तो डिसेंट मैक्रो शॉट्स निकल के आ जाते हैं, लो लाइटिंग में भाई मैक्रो से आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन अच्छी खासी अगर लाइटिंग है तो मैक्रो कैमरा भी यहां पर आपका अच्छा परफॉर्म कर जाता है। वीडियोस की अगर बात करें तो ओवरऑल वीडियोस काफी अच्छे निकल के आते हैं, 4K 30fps तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन 1080p 30fps तक आपको EIS का यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है। 1080p 60fps और 4K 30fps पर आपको EIS का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो यहां पर भी आपको EIS का ऑप्शन मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो मेरे हिसाब से एक डिसेंट कैमरा सेटअप यहां पर आपको दिया गया है, और इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैमरा सेटअप अच्छा काम कर जाता है भाई। अगर प्राइस पॉइंट को देखा जाए 12,000 के फोन के हिसाब से कैमरा इसके प्राइस को जस्टिफाई करता है। कैमरा मॉड्यूल से आपको कोई शिकायत यहां पर नहीं आने वाली है और अपडेट्स के साथ में ये वाली चीजें फिक्स होती जाएगी भाई, ये चीज अपने को पता है। उसके बाद में अगर बात करें इसकी बैटरी के बारे में, 5000 एमएएच की बैटरी यहां पर आपको मिलती है, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला भाई फील नहीं होता है कि यहां पर आपको 5000 एमएएच की बैटरी दी गई है। और अगर चार्ज करने की बात करें तो 33 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया रहता है, और इसका बैटरी चार्जिंग एंड ड्रेन टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर वो वाला वीडियो भी आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक देता हूं, वहां से जाकर के देख लेना। लगभग 1 घंटा और कितना टाइम लगा था इसको, 1 घंटा 23 मिनट 17 सेकंड के आसपास लगे थे इसको फोन को 0 से लेकर के 100% तक फुल चार्ज होने में।
तो ठीक ठाक टाइम है भाई। Xiaomi 74 मिनट क्लेम करता है, अपने को लगे तकरीबन 83 मिनट्स के आसपास, तो ठीक ठाक टाइम है भाई ये वाला फोन फुल चार्ज हो जाता है। और उसके बाद में अगर आप नॉर्मल यूसेज पे लेते हो, हल्का फुल्का गेमिंग करते हो, हल्की फुल्की कॉन्टेंट वॉचिंग करते हो, तो तकरीबन 9 से 10 घंटे का आपको स्क्रीन ऑन टाइम दे जाता है। और नॉर्मल यूसेज में भाई इजीली 1.5 दिन का बैकअप आपको फोन दे देगा, आपको बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी जो बैटरी दी गई है और जो बैटरी मॉड्यूल दिया गया है वो ओवरऑल काफी इंप्रेसिव बैटरी मॉड्यूल दिया गया है। उसके बाद में अगर बात करें साउंड क्वालिटी की, तो 3.5 mm जैक यहां पर आपको मिलता है और हेडफोन के अंदर साउंड काफी क्रिस्प आता है, काफी क्लियर आता है, बेस काफी अच्छा मिलता है, तो यहां पर साउंड क्वालिटी से दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात इस फोन की क्या है भाई कि एक 12,000 के फोन में यहां पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर एक स्पीकर आपको ऊपर की तरफ दिया गया है सेकेंडरी वाला और प्राइमरी स्पीकर यहां पर आपको नीचे की तरफ मिल जाता है। और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफी अच्छी निकल के आती है, तो ऑडियो क्वालिटी से भी यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर फोन के एंटीडू स्कोर की बात करें तो लगभग 2,24,000 के आसपास इसका एंटीडू स्कोर निकल के आता है, जो कि इंप्रेसिव स्कोर है और परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकाल के दे देता है। और गीक बेंच की अगर बात करें तो गीक बेंच में 523 सिंगल कोर में आता है और 1428.14, देखो यहां पर हैंग हो गया, ये थोड़ा सा यहां पर आपको बग्स मिल रहे हैं यहां पर यूआई में, ये अभी हैंग हो गया भाई, कोमा में चला गया फोन। और इसको मैं अब लॉक करके अनलॉक करूंगा तो ये वापस से अब जाके ये होश में आया भाई। तो यहां पर थोड़े बहुत बग्स हैं जो मैं आगे कवर करने वाला था, लेकिन अभी ही पता पड़ गया है तो मैं सोचा थोड़ा सा आपको अभी बता देता हूं, लाइव एग्जांपल बता देता हूं। Geekbench का जो स्कोर है वो आता है 523 और 1428 पॉइंट सिंगल कोर और मल्टी कोर में, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस यहां पर आपको अच्छी मिल जाती है। आगे चलते भाई बात करते हैं इस फोन के साथ में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। एक प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी भाई कि ये वाला जो फोन है कभी अगर आपने इसमें हैवी एप्स ओपन करी है तो कभी कभी कोमा में चला जाता है भाई, उसके बाद में आपको लॉक करना है फिर अनलॉक करना पड़ता है, उसके बाद में इस फोन को होश आता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। और MIUI 12 का प्रॉब्लम है ये भाई, और MIUI 12 जो इसके अंदर डाला हुआ है काफी ज्यादा बगी है। कभी भाई यहां पर जब अपन कंट्रोल पैनल को खोलते हैं तो वो कभी ओवरलैप कर जाता है, कभी ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ये समस्या मेरे को मिली है इसके अंदर। हालांकि उसकी भी क्लिप में बार बार बना नहीं पाया, लेकिन पोको X3 के अंदर भी मेरे को ये समस्या आई है MIUI 12 के साथ में कि ओवरलैपिंग की दिक्कत आती है। और स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो भाई ये स्क्रीनशॉट, मैंने उसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया था भाई कि ऐसी समस्या इसके अंदर निकल के आ रही है। और उसके अलावा भी आपको छोटे छोटे इधर उधर बग्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि फिक्स किए जा सकते हैं MIUI 12.5 के साथ में, लेकिन अभी इसके अंदर आपको बग्स देखने के लिए मिलते हैं। एंड इसलिए मैं पर्सनली बोलता हूं भाई कि MIUI 12 जो है मेरे को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता है, क्योंकि बहुत सा क्लटरी सा लगता है और बगी है। इसकी बजाय जो दूसरे UI है वो मेरे को पर्सनली थोड़े से ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन भाई हाँ यहाँ पर MIUI 12 में आपको बग्स जरूर से देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जो एक चीज मैंने नोटिस करी भाई, यहाँ पर मैंने इसका सेंसर टेस्ट किया और जब मैं यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर को टेस्ट करता हूँ तो भाई यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम करता नहीं है। यहाँ पर आप देखो ये बल्ब जल रहा है, इसके आगे मैं ऐसे हाथ ले जाता हूँ ना भाई तो ये बंद नहीं होता है, लेकिन इसको जब मैं ऐसे कान के पास ले जाता हूँ तो यहाँ देखो भाई ये बंद हो चुका है, ये मैंने दूर किया वापस चालू हो गया, ये वापस बंद हो गया, ये वापस चालू हो गया, लेकिन जब इसके सामने से हाथ अपन निकाल रहे हैं तो ये काम नहीं करता है। मतलब यहाँ पर इसको मूवमेंट चाहिए रहता है भाई ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर को काम करने के लिए, ये चीज मैंने यहाँ पर नोटिस करी है। ये देखो भाई ये कान के पास अगर आप ले जा रहे हो तो चलेगा, अब इसको मैं हिला करके अगर ऐसे ले जाता हूँ तो ये बंद हो जाता है ना, हिला करके ले जा रहा हूं तो ये बंद हो जाता है, लेकिन ऐसे भाई स्टैटिक पोजीशन में काम नहीं करता। अगर स्टैटिक पोजीशन में चेक करेंगे तो ये काम नहीं करता है, ये दूसरी प्रॉब्लम मेरे को इसके अंदर लगी भाई। सेंसर वैसे सारे यहां पर आपको दिए गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये वाला सेंसर प्रॉपरली काम यहां पर नहीं करता है। आगे चलते भाई बात करते हैं कॉल क्वालिटी के बारे में, तो जो इसकी कॉल क्वालिटी है वो काफी अच्छी निकल के आती है, लेकिन आपको इसका जो वॉल्यूम है वो कम करके रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर आप बिना लाउड स्पीकर ऑन किए भी बात कर रहे हैं तो इजीली आपके पड़ोस वाले को सुनाई दे जाएगा भाई कि आप अपने किस बाबू सोना से बात कर रहे हो और सारी आवाज बाहर आती है भाई, तो उसको आपको वॉल्यूम कम करके रखना पड़ेगा। वॉल्यूम इसके स्पीकर का काफी लाउड आता है और लाउड स्पीकर में भी आपको अच्छे से वॉल्यूम सुनाई देती है, तो कॉल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, नेटवर्क भी काफी अच्छे से रिसीव कर लेता है, नेटवर्क में भी आपको कोई समस्या यहां पर नहीं आती है। ओवरऑल फोन को अगर देखा जाए तो भाई ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करता है फोन, एक ऑलराउंडर फोन हो सकता है, क्योंकि यहां पर आपको डिसेंट कैमरा मिल जाता है, यहां पर आपको डिस्प्ले अच्छा मिल जाता है, यहां पर परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, बैटरी बैकअप यहां पर आपको काफी अच्छा मिलता है। हालांकि जो इसका डील ब्रेकर हो सकता है वो MIUI के बग्स हो सकते हैं भाई, उसके अलावा मेरे को नहीं लगता भाई कि इस फोन को टक्कर देने वाला कोई स्मार्टफोन अभी मार्केट में अवेलेबल है जो 12,000 के प्राइस पॉइंट पर इस फोन को चैलेंज कर सके। हां अगर आपको सोल गेमिंग
गेमिंग ही करनी है, रॉ गेमिंग करनी है, कि आपको दूसरी चीजों से मतलब ही नहीं है, तो फिर आप Realme 7 की तरफ जा सकते हो। लेकिन ओवरऑल अगर आपको सारी चीजें बढ़िया चाहिए तो Redmi Note 10 से बढ़िया ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता है। ये वाला जो वेरियंट है मेरे पास 4GB+64GB वाला वेरियंट है, 11,999 रुपए में मिलता है। हालांकि मैंने इसको 12,500 रुपए में खरीदा था, प्लस कार्ड से मैंने पेमेंट किया था, तो 125 रुपए और मेरे को एक्स्ट्रा लगे थे। ओवरऑल 12,625 रुपए मेरे को मिला था। लेकिन 12,625 रुपए में भी परचेस करने के बाद में मेरे को ऐसा नहीं लगा भाई कि मैंने यहां पर घाटा खाया है। मेरे को फोन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी भाई, काफी सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्म फैक्टर है वो काफी अच्छा है। और इसी फॉर्म फैक्टर के कारण मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस फोन को मेरे को इस फोन से रिप्लेस कर देना चाहिए, ताकि भाई मेरी जेब में ज्यादा वजन ना पड़े और इसको मैं केवल अपने स्टूडियो यूसेज के लिए रख लूं। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं ना भाई फोन के बारे में, तो अगर आप Redmi Note 10 लेना चाहते हो तो ले लो, आंख बंद करके ले लो। लेकिन 4GB+64GB वाला वेरिएंट लेना, 6GB+128 वाला जो वेरिएंट है वो आपको 14,000 में पड़ता है, और 14,000 के प्राइस पॉइंट पे आपको दूसरे ऑप्शंस मिल सकते हैं। लेकिन 12,000 वाले वेरिएंट का यहां पर कोई चैलेंजर अभी अवेलेबल नहीं है, नो डाउट, नो कॉम्पिटिशन। Redmi Note 10 जो है वो स्टैंड अलोन विनर निकल के आता है 10,000 के प्राइस पॉइंट पे। तो अगर आप Redmi Note 10 लेना चाहते हो तो 4GB+64GB वाला वेरिएंट आंख बंद करके ले सकते हैं, बिल्कुल चले जाओ लेने, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली है। मेरी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड फोन है भाई। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपको कैसा लगता है फोन, क्या आपके विचार हैं इस फोन के बारे में, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।